इस लेक्चर में हम डेबिट नोट क्रिएट करेंगे वही जो एक आइटम हमें हमारे कस्टमर ने रिटर्न की जिसके लिए हमने क्रेडिट नोट इशू किया था लेट्स से हम वही आइटम अपने सप्लायर को रिटर्न करना चाहते हैं हम अपने स्टॉक में रिटेन नहीं करना चाहते तो उसके लिए हम एक डेबिट नोट क्रिएट करेंगे इंटर बिल में जाएंगे यूजुअली ये टिक हुआ होता है कि आप बिल एंट्री कर रहे हैं अगर आप बिल एंट्री नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्रेडिट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये टोटली totally बिल का ऑपोजिट हो जाएगा कि आप स्टॉक रिटर्न कर रहे हैं क्विक बुक्स इस ट्रांजेक्शन को नाम देता है बिल क्रेडिट का तो हमने ये परचेज़ किया था अपने वेंडर टू से लेट्स से डेट इज़ नाइन रेफरेंस नंबर जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो आप एंटर करेंगे मेमो अगर आप कुछ यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं कि जब आपने परचेज़ किया था ये किस पीओ या किस नोस के रिलेटेड था अगर आप वो रेफरेंस यहाँ पे देना चाहते हैं या कुछ भी और अगर आप रीज़न लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं आइटम हमारे पास थी चार्जर एच वाला तो यहाँ पे इसकी क्वानिटी वन ऑटोमेटिकली आ रही है हम क्वालिटी चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर इसके साथ ये जो छोटा सा ग्राफ का साइन आ रहा है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम इस इन्वेंट्री का स्टॉक भी चेक कर सकते हैं अभी हमारे पास कितना है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न हमारे पास ऑन हैंड वन बॉक्स है जो कि इसका यूनिट ऑफ मेयर यहाँ पर शो हो रहा है इसको अगर मैं ईच में देखना चाहता हूँ तो मैं यूनिट इसका चेंज भी कर सकता हूँ टेन पीसेस हर वन बॉक्स हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू रिटर्न जिसकी कॉस्ट ट्वेल्व थाउजेंड है इस ट्रांजेक्शन को हम सेव करते हैं देन इसका इम्पैक्ट देखते हैं तो ट्रांजेक्शन हमारी सेव हो चुकी है बैक एंड पे जो ट्रांजेक्शन जनरल रिकॉर्ड हुआ है वो कुछ इस तरह से है इट्स जस्ट गोइंग टू इम्पैक्ट आर अकाउंट्स पेएबल एंड एसेट्स अकाउंट्स पेएबल हमारे डेबिट हो चुके हैं और एसेट में ट्वेल्व थाउजेंड की जो वैल्यू थी वो वहाँ से ख़त्म हो चुकी हुई है अगर हम स्टॉक की रिपोर्ट देखते हैं हमारे पास एक बॉक्स यानी कि टेन पीस ऑलरेडी अवेलेबल थे क्रेडिट नोट जनरेट करने के बाद अभी हम देखते हैं हमारे स्टॉक की स्टेटस क्या है तो करंटली हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है वो एक बॉक्स यानी कि टेन पीसेस जो हमें कस्टमर से रिटर्न हुए थे वो हमने अपने वेंडर को रिटर्न कर दिए और हमारे स्टॉक में कोई भी वैल्यू नहीं है ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट देख लेते हैं इसका क्या है? ट्रायल बैलेंस में अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इन्वेंट्री एसेट जो ट्वेल्व थाउजेंड का जनरेट हुआ था जब हमने क्रेडिट नोट इश्यू किया था अपने कस्टमर को तो वो अब यहां से खत्म हो चुका हुआ है और हमारा अकाउंट्स पेएबल बैलेंस ट्वेल्व थाउजेंड से डेबिट हो चुका हुआ है वेट इट्स डेबिट बैलेंस सो अकाउंट्स पेएबल तो यूजुअली क्रेडिट होता है हमारा इट्स डेबिट बैलेंस क्योंकि हमारा कोई भी और अकाउंट्स पेबल है नहीं हमने एक ही वेंडर से एक ट्रांजेक्शन की थी जिसके लिए हमने कम्प्लीट पेमेंट कर दी हुई थी और हमारा कुछ भी पेएबल था नहीं तो अभी हम कुछ चीज़ें और उस वेंडर को रिटर्न कर चुके हुए हैं जिसके लिए जो भी हमने पे किया एक बॉक्स की वैल्यू वो हमें उससे वापस रिसीव करनी है सो दिस इज़ गोइंग टू बचुअली आर अकाउंट्स रिसिवेबल फ्राम दिस कस्टमर तो क्योंकि अकाउंट्स जो भी हमारे वैलर्स होते हैं उनका लेजर अकाउंट्स पेएबल के साथ लिंक होता है तो वैल्यू यहाँ पर आएगी तो ये क्रेडिट बैलेंस होने की बजाय हमें डेबिट बैलेंस शो हो रहा है जो ही है हम इसे फर्दर चीज़ें बाई करेंगे तो ये बैलेंस सेटल हो जाएगा अगर क्रेडिट बैलेंस इस लेजर का ज़्यादा होगा तो बैलेंस हमें क्रेडिट साइड पर शो होने लग जाएगा या अगर हमें इससे रिफंड मिल गया इसका तब भी इस लेजर का बैलेंस जीरो हो जाएगा इट्स ऑल हाउ यू रिकॉर्ड यूअर क्रेडिट नोट आर डेबिट नोट डेबिट नोट क्विक बुक्स जिसको बिल क्रेडिट का नाम देता है आई होप यू गाइज आर वेरी क्लियर अबाउट इट